जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों खरीदा आप सामने देख सकते हैं, लेकिन इनके प्राइस की भी जानकारी देते हैं। तो रिटेन किए गए पहले चार खिलाड़ी की जानकारी दें तो रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए, जसप्रीत बुमराह को 12 करोड़ रुपए, सूर्य कुमार यादव को 8 करोड़ रुपए, किरण पोलार्ड को 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। वही ऑक्शन में दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ी बोली इस बार मेगा ऑक्शन की लगाई, 15 करोड़ 25 लाख ईशान किशन को दिया और अपने खेमे में फिर से शामिल किया। वही दोस्तों बेबी एबीडी विलियर्स के नाम से जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस को भी 3 करोड़ रुपए में शामिल किया, बासिल थम्पी को 30 लाख रुपए, मुर्गन अश्विन को 1 करोड़ 60 लाख रुपए, जयदेव उनादकट को 1 करोड़ 30 लाख रुपए, मयंक मारकंडे को 65 लाख रुपए, तिलक वर्मा को 1 करोड़ 70 लाख रुपए, संजय यादव को 50 लाख रुपए, जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ रुपए, डैनियल सैम्स को 2 करोड़ 60 लाख रुपए, टाइमल मिल्स को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, टिम डेविड को 8 करोड़ 25 लाख रुपए, रिले मेरेडिट को 1 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं मोहम्मद अरशद खान को 20 लाख रुपए, अनमोल प्रीत सिंह को 20 लाख रुपए, रमनदीप सिंह को 20 लाख रुपए, राहुल बुद्धि को 20 लाख रुपए, ऋतिक शौकीन को 20 लाख रुपए, अर्जुन तेंदुलकर जो सचिन तेंदुलकर के बेटे उनको 30 लाख रुपए में खरीदा। वहीं आर्यन ज्वेल को 20 लाख रुपए और फैबियन एलन को 75 लाख में अपने खेमे में शामिल करा। लेकिन क्या कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में ये खिलाड़ी, जहां हार्दिक पांड्या ने, कुरनल पांड्या जैसे खिलाड़ी नहीं है दोस्तों और ट्रेंट बोल्ट जैसा खतरनाक गेंदबाज, ने क्या छठी बार खिताब जिता पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। दिलचस्प नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।